rolls off his lap and fall in the grass. उसकी गोद से उसका खाना, उसका लंच गिर जाता है और घास पे नीचे पड़ा रहता है, यानी गिरा हुआ है. The bees and ants rush to eat and begin to eat the sandwiches and the chocolate. तब मधुमक्खियाँ और चींटियों के झुंड ने उसे ले लिया और उस सैंडविच और चॉकलेट को खाने लगा. करण रन्स टू वेयर द अदर चिल्ड्रंस आर प्लेइंग. करण भागकर वहाँ दौड़ कर जाता है जहाँ बाकी सभी बच्चे खेल रहे होते हैं. ही इज़ वेरी सॉरी व्हाट ही हैड डन. वह बहुत ही अफसोस करता है या उसे बहुत अफसोस हो रहा होता है कि उसने क्या किया. द आंट्स एंड बीज ओनली डिड टू मी व्हाट आई कीप डूइंग टू द अदर चिल्ड्रेन ही थिंक्स. वह सोचता है कि सिर्फ चींटी और मधुमक्खियों ने मेरे साथ ये किया तो क्या हुआ, मैंने भी तो सारे बच्चों के साथ ऐसा ही किया है. बट हाउ इट हर्ट्स. आई हेट दोज बीज एंड आंट्स. आई सपोज द अदर चिल्ड्रेंस हेट मी टू. लेकिन यह कैसे दर्द करता है, यह कैसे दर्द चुभ रहा है, दर्द हो रहा है. मैं उन मधुमक्खियों और चींटियों से तो नफरत करता हूँ. मुझे अब लगने लगा है या मुझे लग रहा है या लगता है कि सभी बच्चे जितने भी हैं, बाकी सभी बच्चे भी मुझसे इसी तरह नफरत करते होंगे. वेल आई शैल नॉट पिंच और प्रिक एनी वन एनी मोर. अच्छा कोई बात नहीं, अब से मैं किसी को भी चूटी नहीं काटूंगा या किसी को भी पिन नहीं चुभाऊंगा. इन दिस वे वी हैव लर्न दिस स्टोरी. इस तरह हम लोगों ने ये कहानी तो पढ़ ली. सो व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी. अब आप ये बताइए कि इस स्टोरी से हमने क्या सीखा. तो हमने सीखा वी लर्न डैट वन शुड नॉट कंडक्ट एनी थिंग्स डैट वुड हर्ट हिम. हमें ऐसा कुछ भी किन्हीं के साथ नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें तकलीफ हो, पीड़ा हो या उन्हें नुकसान हो. नाउ देर आर फ्यू वर्ड मीनिंग्स इन दिस चैप्टर विच आर रिटन बिलो. प्लीज़ राइट एंड लर्न देम. If you have any problem in this chapter, then you can contact on your WhatsApp group. Next video will be uploaded soon. Till then, stay home, stay safe.